कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के सामने महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। मार्च में थोक महंगाई दर 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके असर से रिटेल बिक्री में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल के तमाम सामानों की कीमतों में जोरदार इजाफा किया गया है। 20 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जियां ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक हो गई हैं। लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस महंगाई से कारोबारियों को नुकसान हुआ है और उनके प्रॉफिट मार्जिन पर इससे दबाव पड़ेगा। डॉक्टर की फीस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फूड सप्लीमेंट्स हो या खाना हो, चारों तरफ इस समय तबाही है। मेरा ऐसा मानना है दाम दुगने तिगने स्तर पर पहुंच गए हैं और जब तक कोरोना महामारी से निजात नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि महंगाई से कंज्यूमर को, कस्टमर्स को कोई रिलीफ मिलेगी, अनलेस गवर्नमेंट कम्स अप विद समथिंग मैजिकल, कोई अपने